दिन यहां पर इनको मिल नहीं पाया, जो लगातार बढ़त बना रखी थी उसे जीत में तब्दील कर दिया है तंजीम फातिमा ने। बिल्कुल, देखिए आजम खान साहब ने जिस तरह से चुनाव में जो भाषण दिए थे उसका असर देखने को मिला कि जनता उनके भावुकता को लेकर उनके पक्ष में आई। यहाँ पर जब जयप्रदा उनके सामने चुनाव लड़ी थी, भाजपा के सामने योगी आदित्यनाथ भी उनको जिताने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन जादू योगी जी का तब भी नहीं चला। केंद्र में योगी जी की, मोदी जी की सरकार, प्रदेश में योगी जी की सरकार और योगी जी खुद रामपुर की सरजमी पर आए, लेकिन उनका जादू रामपुर में आजम खान के सामने नहीं चला। क्योंकि आज अगर उनका जादू चला होता तो रामपुर के वोटर उनके पक्ष में वोटिंग नहीं करते। आज मतगणना स्थल से ये साफ हो गया कि रामपुर के जो वोटर है वो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओमपाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, मानिकपुर में भी 24वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है। बीजेपी के आनंद शुक्ला 10,498 वोट से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के आनंद शुक्ला को 55,860 वोट और